चुनाव की कवरेज आप NDTV इंडिया पर देख रहे हैं। इस वक्त इस बार की जो फेस वन की वोटिंग है उसमें 102 सीटों पर जो है वो वोट डाले जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब तक क्या प्रतिशत जो है वो रहा है वोटिंग का। तो यहां पर आप देखिए चुनाव इंडिया का में हम आपको बता रहे हैं, इस बार फेस वन में कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत जो है वो दाव पर है। और यहाँ पर 3 बजे तक अगर आप मतदान देखेंगे तो 3 बजे तक पिछले बार पहले चरण में जो वोट पड़े थे उसकी अगर आप तुलना करें यहाँ पर, तो अभी तक का 3 बजे का जो ग्राफ है वो क्या कहता है, सबसे पहले आप यहाँ पर एक नज़र डालिए। तो यहाँ पर पिछली बार इस चरण में 2019 में आप देखिए तो करीब करीब 52% यानी 51.8% वोट पड़े थे, और अब की बार जो फेस वन में अभी तक वोटिंग हुई है 3 बजे तक वो 49.9% हुई है। तो ये यहाँ पर 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा अब आप देखिए कि इस चरण में अलग अलग जगहों पर किस तरीके से जो है वो वोटिंग का परसेंटेज जो है वो अब तक 3 बजे तक नज़र आ रहा है। तो ये मध्य प्रदेश का नंबर आप देखिए, जो कुल मिलाकर जो वोटिंग हुई थी मध्य प्रदेश में पिछली बार के फेस वन के चुनाव में वो 75% रही थी, 75.1%। और अभी तक 3 बजे तक जो इस बार फेस वन में वोटिंग यहाँ पर हुई है वो 53.4% हुई है। अभी भी हालांकि कुछ घंटे का वक्त बचा है तो ये नंबर जो है वो और बढ़ता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल का ग्राफ है। पश्चिम बंगाल में पिछली बार जो ओवरऑल वोटिंग हुई थी वो 84.8% 3 सीटों पर, और इस बार 3 बजे तक यहाँ पर करीब 66.3% वोटिंग अब तक हो चुकी है। इसके अलावा बिहार पर आप नज़र डालें तो बिहार में पिछली बार जो वोटिंग रही थी वो 53.3% रही थी ओवरऑल जो वोटिंग हुई थी इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुआ था, और अब तक 3 बजे तक यहां पर थोड़ी सा कम यह नंबर ज़रूर लग रहा है, 39.7% तक ही वोट जो है बिहार में यहां पर इस बार अभी तक पड़े हैं। और इसके अलावा आपको हम जो है कुल मतदान अगर की बात करें तो कुल मतदान में जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 में फेस वन की जो सीटें थी वहां पर 64.1% वोट जो है वो पड़े थे, और 3 बजे तक 44.1% वोटिंग यहां पर अब तक हो चुकी है। तो यहाँ पर ये वोटिंग का परसेंटेज आपने यहाँ पर देखा। हालांकि अभी थोड़ा वक्त और बचा है जहाँ पर लोग जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नंबर और बढ़ता हुआ जो है वो आपको शाम तक यहाँ पर दिखेगा। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड जो है वो इस फेस में ही सभी सीटों पर यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। तो इस बार उत्तराखंड की जो फेस वन की वोटिंग है उसमें कैसा अब तक जो है मतदान यहाँ पर हो रहा है और क्या वहाँ के जो बड़े मुद्दे हैं इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हरीश रावत साहब जो है वो जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हरीश रावत जी, शुक्रिया आपका NDTV पर वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपके यहाँ कैसे जो है इस बार के चुनाव हो रहे हैं? फेस वन की हमने वोटिंग के आंकड़े दिखाए, अब तक का जो वोट प्रतिशत रहा है उत्तराखंड में उसके बारे में आप जो है क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ग्रामीण अंचल में और जो सेमी अर्बन एरियाज हैं उनमें वोट काफी पड़ रहा है, उनमें काफी उत्साह है। और जो एकदम शहरी मतदाता है, विशेष तौर पर जहां मध्यम वर्ग रह रहा है या थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे वाला वर्ग जो है मध्यम वर्ग, वो वहां वोट कम है, उनमें उत्साह कम है। और उसका कारण मुझको ये लगता है कि मध्यम वर्ग के ऊपर, निम्न मध्यम वर्ग के ऊपर दबाव बहुत पड़ा है आर्थिक नीतियों का, और वो वर्ग उदासीन हुआ है, उस वर्ग का वोट कम पड़ा है। और आप जो वोट का परसेंटेज आप नेशन वाइड दिखा रहे हैं वही ट्रेंड हमारे यहाँ भी उसी तरीके का ट्रेंड आ रहा है। जितना परसेंटेज 2019 का था वो 2024 में नहीं हुआ है, तो उसका नुकसान रूलिंग पार्टी को होगा। ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी की नीतियों से कुछ जो नाराजगी पैदा हुई है वो वोटर नहीं आया है, उदासीन वोटर नहीं आया। रावत साहब, वोट कम पड़ रहे हैं, इसको आप रूलिंग पार्टी से नाराजगी की वजह मानते हैं, या जैसे कि कहा जाता है कि वोट प्रतिशत अगर ज्यादा है तो जो है वो यहाँ पर नाराजगी दिखती है लोगों की? देखिए, जो परिवर्तन चाहने वाला वोटर है वो आ रहा है, वो उत्साहपूर्वक आ रहा है, उसने
दोपहर की तपती धूप में भी मैंने लोगों को लाइन पर खड़े देखा जो वो वोट कर रहा है। इसमें वो वोटर नहीं आ रहा है जो वोटर स्टेटस को चाहता था, वो वोटर कम आ रहा है, उस वोटर में उत्साह नहीं है। ये वर्तमान सरकार के लिए एक जबरदस्त वो है, कमेंट्री है उनके आर्थिक नीतियों पर, कि वो उस मिडिल क्लास को, जिसको हम ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, उस मिडिल क्लास को जो है वो उत्साहित नहीं कर पाए, उत्साहित नहीं कर पाए। और अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में भी आपको लगता है कि वही मुद्दे हैं जो हम यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, या वहाँ पर आप उत्तराखंड के अलग जो है कुछ चीज़ें समझते हैं जो लोगों के लिए वहाँ पर महत्वपूर्ण है इस बार के चुनाव में? देखिए, जिन वर्गों को और जिन सोसाइटी के जिस सेक्शन जो परिवर्तन चाह रहा है, जो बदलाव चाह रहा है, जो महंगाई बेरोजगारी आदि के खिलाफ वोट करना चाह रहा है, वो उस वर्ग का वोट आ रहा है। वो वोट स्वस्फूरित तरीके से निकल करके आ रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पर वोट की चोट हो गई है, वोटर ने अपना वो दिखा दिया है। जी चलिए, तो आपको विश्वास है कि वोटर जो है वो अपना मन यहाँ पर बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो है वो आपको लगता है कि उनकी नाराजगी वहाँ पर? बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी आपका वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी वोट जो है वो पड़ रहे हैं फर्स्ट फेज के लिए, अभी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमने आपको यहाँ पर दिखाया, कई जगहों पर उससे ज़्यादा दिख रहा है, कई जगहों पर जैसे कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ा कम यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा वक्त यहाँ पर जो है वो बचा हुआ है वोटर्स के पास अपना मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर करने का। लेकिन 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटें हैं जहाँ पर आज जो मताधिकार का इस्तेमाल है वो वोटर्स अपने कर रहे हैं। पहले चरण का वोट यहाँ पर जो है वो पड़ रहा है। इसमें जैसे कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पर अभी वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन अलग अलग जगहों पर किस तरह की जो है वो वोटिंग आज की रही है इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। महाराष्ट्र में नागपुर की सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नितिन गडकरी यहाँ से जो है मैदान में खड़े हैं। मध्य प्रदेश की बस्तर सीट में लंबी कतारें जो है वो लगी हुई नजर आई। पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा यहाँ पर अब तक दिख रहा है। कुछ बिहार की आप देखिए तस्वीर जहाँ पर बुजुर्ग भी जो है वो वोट डालने के लिए जो है वो पहुँचे यहाँ पर। और इसके अलावा कुछ बड़े चेहरे जो आज पहले चरण में जिन्होंने वोट डाला उनकी सीटों पर आज वोटिंग यहाँ पर हुई है, जिसमें मोहन भागवत नागपुर पहुँचे, पी चिदम्बरम शिवगंगा में इन्होंने वोट डाला, यहाँ पर आज शरद कुमार चेन्नई में वोट डालने पहुँचे, रजनीकांत जो है उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया चेन्नई में। तो ये कुछ बड़ी सीटें हैं जहाँ पर आज जो है वोटिंग हो रही है, जिसमें जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने अपना वोट यहाँ पर डाला है।